ज्ञान भक्ति प्रदायिनि मातस्तुभ्यं नमो नमः। भगवान जी को पीछे पड़ गए जे कुछ बोलो, हम चलो कुछ बोलता हूँ। माँ का अनुभव जो है, हम तो आश्रम माने सेवा में ही लगे रहते हैं, तो उसमें कुछ कुछ ऐसा मिला जे जैसा हम लोग माँ के वाणी पढ़ता हूँ ना, माँ है कि सब चिंता, माँ है चिंता किस बात की, तो ऐसा ऐसा कुछ काम करते हुए कुछ अनुभव होता है। जैसा देहरादून आश्रम में माँ की मूर्ति प्रतिष्ठा, तो उस समय देहरादून आश्रम में मैं था, तो स्वामी निर्मानंद जी उस समय मंदिर वहाँ का सेक्रेटरी था, तो कौनखल में मीटिंग हुआ जे मूर्ति प्रतिष्ठा पहले माने समाधि में होगा, उसके बाद सब ब्रांच में होगा। तो निर्वाण जी तो वो हमारे सब कोई लस चले गए थे, और उसका बीच में माँ का शरीर शांत हुआ था, तो इसलिए मैंने आके बोला ये ठीक नहीं हुआ, मैं पहले ही माँ की मूर्ति प्रतिष्ठा देहरादून में करेंगे, बोल के संघों के साथ लड़ाई कर दिया मीटिंग में, चैलेंज लेके चैलेंज करके। फिर वो स्वामी जी ने वो देहरादून आश्रम में आ गए। आने के बाद मेरे को बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारा लड़ाई करके आया, कोई तो मेरे को साथ देगा नहीं, लेकिन मैंने बोला कि वहाँ तो माँ का मूर्ति माँ के स्पर्श किया हुआ देहरादून में ही था मंदिर में, तो उसको मैं करूँगा, लेकिन तुम है और मैं हूँ, और तो कोई साथ नहीं देगा, तो तैयार हो जाओ। तो ऐसा बोला, तो मैं बोला क्या करेंगे, तो साथ मत जो सबको तो लो, तो ठीक है बात सुन के देहरादून आश्रम में जो अंतरात्मानंद जी सुधा इन लोग थे, इन लोगों के साथ मिलजुल कर लिया, लेकिन संघ से तो कोई साथ देगा नहीं। तो मैं उन्होंने कहा चलो स्वामी जी का निमंत्रण तो मैं दे दूंगा, विद्यानंद जी को लाना है, चिदानंद जी को लाना है, तो ये सब तो मैं करूँगा, लेकिन यहाँ का व्यवस्था तो सब तुमको करना है, ये सब मेरे को बस का नहीं है। तो मैं भी चिंतन में पड़ गया, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। चलो माँ जो ठीक उस समय ही मैं इसलिए मैं मन में बैठा हुआ है ये क्या खेल है। दो दिन के बाद वहाँ देहरादून में जो माने एमपी था कि माने ब्रह्म भट्ट कुछ था कोई था, वो वित्त मंत्री था उत्तर प्रदेश का, तो उनका पर्सनल असिस्टेंट कोई है लाल सिंह जी, वो हठात देखा जे एक मैं उनको कभी देखा नहीं और कोई किसी को बोला भी नहीं, वो एक मोटरसाइकिल लेकर आश्रम में घुसा किशनपुर में आके मेरे को बोलता है महाराज जी मैं ऐसा ही ब्रह्मदत्त जी का माने वित्त मंत्री का पीए हूँ, तो आपका कोई कुछ काम होगा तो मेरे को बोलना। तो मैं बोला ही तो मैं तो झट से बोला ये तो माँ का कुछ खेल होगा, मैं तुरंत उनके ही मोटर बाइक में पीछे बोलिया बोल के बोला मैं कुछ नहीं, चलो स्वामी जी के पास चलो कोलनमन में रहते हैं, बोले चलो। तो मेरे को ले मैं उनको लेके तो किशन भाई कोलनमन में चला गया, जाके स्वामी जी को बताया जे देखो ऐसा आपने कल ऐसा बोला, देखो ऐसा बोला, हाँ इस माँ का खेल होगा, तो ठीक है। तो उनको जाके ऊपर में दे जाके स्वामी जी ने बैठाया, बोले देखो भाई स्वामी जी निर्माण जी तो जब बात करते हैं तो एकदम जनरल मुंह में लिस्ट हुआ होगा सब कम सौंप देते, तो वहाँ जाके देखो यहाँ का पानी का संकट है, यहाँ टेलीफोन नहीं चलता है, तो वो बिजली का कोई ये है, तो ये सब हम वो अकेला कैसे करेंगे, मेरे पास का नहीं है, ये सब ठीक ठाक करना पड़ेगा। तब वो बोला ठीक है समझी कोई बात नहीं। तो दो दिन के बाद फिर आया, आने के बाद सब मीटर फीटर देखा, देखने के बाद बोला अरे 5 एम्पियर से कुछ नहीं आएगा, 15 एम्पियर मीटर लगाना पड़ेगा, जो भी हाँ लड़ी बड़ी लगाए तो ये है उत्सव है तो सुंदर सजाओ ये सब। तो संगे संगे वो जो राजपुर में प्यारीलाल है वो जो लाइन मैन उधर का, उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके वो फटाफट वो मीटर फीटर सब चेंज कर दिया। देने के बाद तो वो सब स्वामी जी लाइट का सब कुछ हो गया, अभी कोई चिंता नहीं है, अब मैं बोलता हूँ ये लाइट का प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगा, इनको सौंप दिया। टेलीफोन का चलो जब उत्सव चलेगा ना तो अब एक टेलीफोन वाला को यहाँ ही बैठा देंगे, आपका कोई चिंता नहीं, ऐसा बोल दिया। अच्छा पानी का चलो कोई बात नहीं, वो चला गया सीधा वहाँ जल निगम में, हैं वहाँ जाके खाली बोला जी स्वामी जी आपका एक आदमी चाहिए,
जो वहाँ ही बैठा रहेगा, आपका पानी खुटेगा तो बस साथ साथ वो फोन कर देगा और वहाँ से पानी आ जाएगा, सब व्यवस्था हम कर देता हूँ। तो वो जाके वाटर हाउस में बोल दिया जे बस अमोनिया से फुलाएगा तो टैंकर टैंकर चला जाएगा, रिजर्वर तो उतना ही है तो ये ख़त्म हो जाएगा टैंकर आ जाएगा। तो ऐसा करके पानी का व्यवस्था कर दिया। तो मैं बोला ये भूत कहाँ से आ गया पता नहीं। तो ये माँ का यदि नहीं होगा तो हम लोग किसी को पहचानता ही नहीं है। तो ऐसा हो गया। तो फिर मैं देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर एक दिन देखा जे वहाँ का जो चीफ इंजीनियर है ना वाटर वर्क्स का, वो मुसूरिया का था। जाते जाते हमारा आश्रम के सामने ही उनका गाड़ी खराब हो गया। तो पता कैसे चला? वो वहाँ गाड़ी खराब है तो वो आके बस सामने मंदिर है तो चलो जाके हॉल में घूम रहा है। और निर्वंदा का एक ड्यूटी है कि सुबह उठ के एक बार चक्कर लगाते हैं, एक बार चक्कर लगाते हैं। सुबह उठ के उनका पूजा पाठ हो गया, चलो कुशनपुर में क्या हो रहा, एक बार पैदल आया आके आश्रम का घूम के फिर चले जाते हैं। तो कभी सुबह कभी शाम ऐसा उन्होंने एक बार घूमते हैं, पैदल चलते हैं। तो किशनपुर होकर गुंजू का घर का गुंजू साहब का घर का नीचे से नहर होके एक बार चक्कर आ जाते हैं। तो उस दिन के सुबह आए आगे बोला भद्रलोक जो उन लोग घूम रहे हैं ना, तो बोला आप लोग कहाँ से आए? बोला हम चीफ इंजीनियर हैं वाटर हाउस का। बस निर्मांडा को दिमाग में घुस गया। निर्मांडा बोला रुको रुको रुकी आप मेरा काम है। बोले क्या है? अरे पानी नहीं आता है, हम क्या करेंगे हैं? आप लोग सब तो हट पर रहता है, कुछ खबर नहीं लेता है। नहीं था स्वामी जी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई बस का नहीं है, क्योंकि ऊपर से पानी आता है तो फिर रोक देते हैं। तो इस इतना परेशान आधा घंटा पानी चलता है इसमें जो भरे भरे, मैं इतना ही कर सकता हूँ जो आपका जो फेरूल है ना यहाँ से पानी आता है वो आधा इंची का है, तो उसको मैं फेरूल का चेंज कर दे सकता हूँ, वन इंच एक इंची कर सकता हूँ, उसमें जितना भर जाए भर जाए, बोले जो करना है करो। तो मैं बोला गाड़ी क्यों हुआ खराब हुआ, वो क्यों घुसा है ना। तो चीफ इंजीनियर को बोल दिया, तो दूसरे दिन को आदमी भेजा तो फेरूल चेंज कर दिया, जैसे टैंकी में थोड़ा ज़्यादा पानी पड़े। तो मैंने देखा जैसा मकई खेल है ना। तो ये लाल सिंह को मेरे को बहुत याद है, वो बिंदा चल के है लेकिन पसंद से वो देहरादून में रहते थे। तो माँ का उत्सव का ऐसा करके तो उत्सव का अच्छा हो गया। फिर सब देखा जे चंदन दी या हंसादी लोग सब फिर आ भी गए थे, सब लोग नहीं आए। फिर उत्सव हो जाने के बाद स्वरूपानंद जी ने फिर सबको लेके गाड़ी का तमाशा देखने के लिए 2 बजे सब लोग आ गए। लेकिन विद्यानंद जी और समचिदानंद जी ये लोग सब आ गए थे। तो उत्सव अच्छा ठीक ठाक करके हो गया, लेकिन ये सब बाहर की व्यवस्था हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन ये भूतराम कैसे आ गया तो ये सब कर दिया, तो माँ का ही खेल होगा ऐसा ही समझ रहा हूँ। फिर तो देहरादून का किस्सा है। फिर ये जो मैंने वृंदावन में शर्मा जी 3 साल वहाँ रहा, रहने के बाद पूरा ट्रांसफ़र हो गया तो मेरे को उन्होंने सौंप के गया। मैंने देखा 5,08,000 रुपया फंड है। तो मैंने बोला 5,08,000 रुपया, और जब एक महीना चलाया चलाने के बाद 25,000 रुपया खर्चा है, महीना में 25,000 रुपया खर्चा है पूजा आदि और ये सब गौशाला वसाला सब करके। तो मैं तो भैया, तो मैंने बोला इसमें देखता हूँ भाई ये मेरे बस का नहीं है। यहाँ 25,000 रुपया खर्चा है महीना में, 5,00,000 रुपये में 12% इंटरेस्ट था तो 5,00,000 में 5,000 मिल सकता है ज़्यादा ज़्यादा। तो 5,000 जहाँ 25,000 खर्चा हम कहाँ से लाएंगे, ये तो मुश्किल है, तो मेरे बस का नहीं। तो मैंने फिर ये ऐसा लिखता हूँ, लेकिन सरमानंद जी बोलता है अरे घबराने से चलेगा नहीं, तुम रहो। और बोला चार दिखे तो सब टूटा फटा है तो सब गिरता है, ये रिपेयरिंग करूँगा क्या आश्रम चलेगा, ये मेरे बस का नहीं है। तो बोला जाओ तुम चुपचाप रहो, खाली मंदिर का सेवा देखो और अपना जॉब करो, जहाँ से जो कुछ है कुछ उसमें ध्यान देना नहीं, ऐसा मेरे को समझा के चलाते रहे। तो मैं क्या करूँ, चला है ठीक है। तो फिर बाद में देखा
ये जब ये आ रहा है तब देखता है, जब गौशाला का बिल दे देता हूँ तो डिसऑनर हो जाएगा, चेक रुपया तो है नहीं। तो मैं तो मैंने परेशान, मेरे साथ दिव्यानंद जी भी थे, तो मैं उनको बताया देखो क्या हाल है, बोला दो दिन रुक जाओ, देखो रुपया वुपया आ जाए तो फिर भरूंगा, ऐसा करके रखे तो हमेशा। लेकिन देखा ये ठीक गाड़ी टुक टुक चल रहा है, मतलब मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कुछ हैवी बोल के डर लगता है। लेकिन अभी जाता है चल भी रहा है, लेकिन इसमें भोग में कुछ कमी करना वो करना ये सब नहीं, ये सब बुद्धि में नहीं आता है, ये ठीक ठाक चले। फिर वो जो वो क्या नाम है फ्रांस का, आपके साथी तो गया था ना, संगमर्च को लेके ही गया था, तो वो आकाश और गंगा, वो जो गंगा जान है, वो फ्रेंच का, फ्रांस का वो एम्बेसडर था, वो माँ से दीक्षा लिया था, माँ ने उनका नाम आकाश और गंगा ये नाम दिया था। तो वहाँ से फोन आया जे आप आ जाओ दिल्ली में, वो आज कॉन्टिनेंटल होटल में था, तो उसे फोन आया जी मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो आप एक बार आ जाओ। तो मैं बोला दिल्ली में भी कहा था इतिहास इनके, तो समाज को बोला चलो भाई मेरे साथ, तो उन्होंने मेरे साथ गया था, तो दोनों गया। तो वो जाने के बाद मेरा इतना रिपेयरिंग है मैं क्या करूँ सोच रहा था, मैं वहाँ जो गया फिर वो 3 लाख, मैं मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो 3 लाख रुपया चेक दे दिया, दे के मेरे मुंह में थोड़ी आया चलो थोड़ा रिपेयरिंग कर लूँ। तो मतलब मैंने अरे छात से सब अभी कंस्ट्रक्शन है, सो सरिया में सब जम आ गया जल जम के, तो फिर गिरता है रासलीला चल रहा है, हैं तो ऊपर से गिरा, बच्चा के सीट पे यदि गिर जाता तो बहुत मुसीबत है, तो रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। और फिर पास में जो दीवार है ना मानवेश्वर स्वामी के पास, वो म्यूनसिपैलिटी से खाली लेटर आ रहा है जे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, यदि दीवार गिर गया किसी को चोट हो गया तो मरोगे। तो मैं बोला रुपया कहाँ है, चलो रिपेयर तो करूँगा नहीं लेकिन दिल ये तो तोड़ तो दूँ कम से कम, गिर के कोई मरे नहीं है, ऐसे ऐसी हालत है। तो मैं बोला जे क्या हो गए, तो देखा महाराज जी को भी लेके गया, दोनों गया तो तिलक चेक दिया, तो प्रिपेयर करने में हमारा थोड़ा बल आया। तो फिर जब पहले पहले गया तो जन्मोत्सव के बाद गया होगा, तो गुरु पूर्णिमा तो फंड तो है नहीं, तो स्वरूपानंद जी था ये सेक्रेटरी ऐसे सेक्रेटरी मान लिया, तो मैंने बोला महाराज जी रुपया तो है नहीं, अभी जो क्या नाम है ये उत्सव है ना राखी बंधन का, मतलब उसमें तो उत्सव होता है ना, दो उत्सव होता है, होलीपुर होली में अरे के उसमें साधु भोजन रासलीला ये सब पहले से ही होते आ रहा। तो मैंने बोला है तो पैसा है नहीं, तो रासलीला करने जाओ तो उस समय 5,000 रुपये लगेगा कम से कम, साधु भोजन करने जाओ तो 5,000 रुपये लगेगा, तो फंड में तो पैसा है नहीं, तो मैं ये निमंत्रण पत्र प्रिंट करूँगा तो कैसे करें, करूँगा कि नहीं करूँगा। तो बोला नहीं मत करो तारा भाई, बोला नहीं मैं आने के बाद बंद हो जाएगा क्या, तो मैं क्या करूँ तो सोच रहा हूँ। ठीक उसी समय वो जो जब से ऐसे होता है माँ से प्रार्थना करते, तो माँ क्या होगा आप कुछ व्यवस्था करो, तो माँ जो अंतर्जामी है सुनते हैं सब माँ ही करते हैं, उसे खबर पड़ता है। तो हमारा पूर्णानंद जी वो मैंने दिल्ली होके वृंदावन पहुँचा, तो बोला पुष्पा मित्तल जी आपके झूलन पूर्णिमा के लिए 4,000 रुपया नहीं 5,000 रुपया दिया। मैं वाह, तो एक तो सॉल्व हो गया। तो फिर नेक्स्ट विजयलक्ष्मी जी आए तो बोलता है किसी ने मेरे को 4,000 रुपया दिया था तुमको देना नहीं हुआ, ये अभी उत्सव के लिए काम में लगे तो ले लो। मैं बोल जा ये तो रासलीला का व्यवस्था हो गया। ऐसा जिस समय दिक्कत में होता है तो अंदर से पुकार आता है, मैंने हम लोग की क्या करेंगे, तो माँ से ही बोलेंगे माँ उद्धार करो अब क्या करने, तो अभी देखता है जे ऐसा कुछ बन जाता है। तो इसका मतलब है जे माँ पास में ही है मैंने साथी है, तो यदि माँ को मैं स्मरण करूँ तो मैं साथ साथ माँ तैयार होते हैं कुछ के लिए। तो जब भी हम लोग स्मरण कम करता हूँ, जब दिक्कत में पड़ता हूँ, जब परेशानी हुई दिक्कत में पड़ी तो बस तो माँ बचाओ तो माँ करते हैं। तो ऐसा आश्रम पहुँचाना करते हुए जब दिक्कत आता है ना तब देखता हूँ माँ तो साथ साथ कुछ ना कुछ करते हैं।
तो इसलिए माँ का बात जो है, माँ से किसे चिंता, मतलब माँ है चिंता किस बात की, तो उसको अनुभव होता है ऐसा करके। फिर नर्मदा पुल को मैं गया, वो भी एक ही बात है, जो मेरे साथ जगदीशानंद जी, गोपाल दास सब था ना, तो हम लोग देखा, तो चलते हुए ऐसा ही कोई, जब हम लोग परिक्रमा चलते हैं तो कोई दिक्कत आती है, कुछ बोलता हूँ, कोई ना कोई माने आ जाते हैं। जब हम लोग परिक्रमा शुरू किया, ओंकारेश्वर से चला, चल के हम लोग तट में जाता है, सामने मुनि बाबा आश्रम है, हम लोग किताब था ना सब लिखा हुआ है, इसके बाद मुनि बाबा आश्रम, तो जाते जाते ऊपर से एक महात्मा बुलाते, अरे बाबा क्या आप करते हो, आओ ना थोड़ा चाय तो पी के जाओ। तो जगदीशानंद जी बोला चलो, तो बुलाता है भाई, जैसा भी करे जाना तो चाहिए, हम चलो। तो हम लोग उठा ऊपर, उठ के क्या चाय बनाया, वो जो अर्जुन का छाल, अर्जुन पेड़ का छाल है ना, है वो पानी में उबल के उसमें चीनी डाल के उनके चाय बना। तो उन लोग तो, हम तो चाय पीता नहीं, लेकिन उन लोग चाय पीते हैं, चलो उनके पास उनके चाय पिया, चाय तो पिया, चाय पीने के बाद हम लोग चल दिया, चल के नीचे उतरा नहीं, हम लोग ऊपर से ही चल दिया, चलते चलते हम जंगल में उल्टा जा रहा हूँ, नर्मदा इधर हम लोग उल्टा जा रहा हूँ, जाते जाते बोला क्या हुआ। तो ठीक, जब हम लोगों का दिक्कत आया ना, हम लोग सोचने लग गए, अरे गलत तो नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा सोचते सोचते देखा एक माइया आ रही है इधर, तो बोलता है क्या बाबा कहाँ जा रहे हो, बोला हम लोग तो परिक्रमा में हूँ, अरे ये तो उल्टा जा रहे हो। फिर वो हम लोगों को साथ लेकर रास्ता पकड़ा दिया, मुनि आश्रम जाना है हम लोग बोला, तो उतर के मैंने चलने के लिए रास्ता दिखा दिया। तो ऐसा हुआ, ऐसा नर्मदा परिक्रमा भी जब हम लोग दिक्कत में आता है कुछ ए मैं नर्मदे हर को चिल्लाने लग गए, तो देखा कोई ना कोई आ जाता है, हम लोग तो मतलब जिनका हुआ पता नहीं, मेरा तो नहीं, मतलब मातृ रूप से दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक कोई ना कोई आता है, आके रास्ता भी दिखा देते हैं, हाँ। और फिर यदि भोजन का दिक्कत होता है तो भोजन देने के लिए बाबा आ जाओ, प्रसाद पालो, भोजन कर लो, लेकिन कोई ना कोई आता है, कोई इसे कोई दिन हम लोग भूखा नहीं रहा, है ना। तो मैंने ऐसा जब हम लोगों का अंदर मैंने जरूरत बोध करता हूँ तो उनको पुकारता हूँ तो ये होता है। फिर हम लोग तो सब अलग अलग हो गया, होने के बाद मैं और श्याम जी, तो वो घटना बहुत अच्छा, तो उसमें चलते चलते वो ये क्या नाम है वो सूर्यकुंड, तो यही रास्ता में सीधा जा रहा है, तो सूर्यकुंड क्या है इधर है, तो सीधा जाके इधर से भी आ जाता है और इधर से खेत के अंदर से भी यहाँ जा जाता है, और यहाँ एक शुगर मिल है, तो लोगों ने बोला शुगर मिल के साइड से आप लोग चला जाना, तो ये नज़दीक पड़ेगा, क्यों बोल रहा है, यहाँ से सीधा जाके सूर्यकुंड और वहाँ से फिर ऐसा जाएंगे तो ये रास्ता मिल जाएगा, तो हमको इधर से इधर आना तो लंबा पड़ेगा ना, इधर आके फिर वापस जाना पड़ेगा, तो ऐसा। लेकिन हम लोग इतना थक गए यार, माने जो खेती जमीन जो है ना वो गीला हो गया, तो उसमें चलने के लिए इच्छा नहीं हो रहा, तो श्याम जी बोलता है नहीं इधर से मत जाओ, जा देर हो रोड से ही चलो, तो क्यों जाना मुश्किल है। तो ऐसा दोनों में बातचीत चलता है कौन सा ठीक रहेगा, इधर जाना कि उधर जाना। तो सोचते सोचते फिर मन में आया तो चलो मेन रास्ते से जा चलो, तो क्यों मन में आया बाद में पता चला, थोड़ी देर जाने के बाद ही सुगर मिल क्रॉस करके ही जाए जैसे ही गया, और वहाँ से एक फैमिली से तीन चार लड़की खड़ी है, तो वो बोलता है अरे बाबा अच्छा हो गया, आ जाओ जल्दी आ जाओ इधर मत जाना। मतलब क्या बात है, लेकिन हम लोग भूखा था, दो बज गया, कुछ खाया नहीं, एक आगे मंदिर था ना उसमें दीपावली हो गया था उस समय, तो सिंगाड़ा काट के उबल के कुछ ऐसा रखा था और मूँगफली भूंगा हुआ ये थोड़ा सा दिया था खाया, लेकिन भूख तो है। तो जाते जाते उन्होंने बुलाया, बोला देखो हम लोग खीर बनाया, जो कोई महात्मा आएगा कोई परिक्रमी आशा आएगा तो उन लोगों को खिला के फिर हम खाएंगे, तो हम लोग इंतजार में खड़ा है। तो हम ला रही है, इसलिए हम लोग कोई रास्ते में नहीं गया, इसलिए हम लोग को तो इस रास्ते में लाया। तो हम लोग भी बोले देखो देखो माँ का खेल देखो, उनको भी इच्छा पूर्ण कर दिया और हम लोगों को भी भूख था, तो वो गया, फिर हम लोगों को खीर एकदम माने ये चूल्हा में रखा हुआ था, तो उन लोग
फिर हम लोगों को दिया, हम दोनों खाया, फिर मैंने उन लोग खाया। तो ऐसा कोई कोई घटना ऐसा होता है जो जब माँ को स्मरण करे तब हम लोग उद्धार हो जाता है। फिर चलते चलते आगे बढ़ के वहाँ रास्ता बंद है, हम लोग को तो पता नहीं, हम तो चलते रह रहा हूँ। और दूर से, बहुत दूर से वो एक मैया चिल्ला रही है, अरे बाबा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऊपर जाओ, चिल्ला रहा है। तो क्या है भाई, तो फिर रुक गए हम लोग। रुकने के बाद तो किसको पूछे, कोई तो है नहीं। तो फिर ख्याल हुआ जे हैं, थोड़ी सी पीछे ऊपर का ही रास्ता था, है ना। तो फिर हम लोग ऊपर चढ़े, देखा यही रास्ता है, इधर से जाके रास्ता तो है, लेकिन जाते जाते क्या पानी में वो रास्ता धंस गया। तो फिर वहाँ जाके फिर हमको क्या बहुत दूर जाके फिर वापस आके फिर यहाँ से ही चढ़ना पड़ता। तो उनके अंदर जो प्रेरणा है ना, जब हम लोगों को बुला के, हम लोग तो कितना दूर हो गया, फिर लोगों तो दर्शन नज़र में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लगता है माँ का ही ख्याल है। तो फिर आके फिर ऊपर चढ़ गया, चढ़ के गया। तो फिर वो गोपालदास जी का वो एक बच्चा लड़की, उन लोग माने थोड़ा माने कुएं कुएं के पास पानी पीने बार कुछ उधर गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए। तो एक बच्चा लड़की आया, आई, आके दो पपीता लेके गोपालदास जी को दिया। हाँ, गोपालदास से जोगेश्वर जी दोनों आते थे, हम लोग थोड़ा सा आगे था, बोले जे ये लो बाबा पपीता खाओगे, तो दो पपीता लेके जाते थे। तो गोपालदास ने बोला चलो एक पपीता दे दे, तू एक पपीता तू ले जा, अरे हमारे घर में बहुत है, तुम ले लो ना। तो दोनों पपीता ले लिया, लेकिन हम लोग खाया, खाने के बाद बुद्धि नहीं, ये लड़की कहाँ से आया, कहाँ से आई, क्या हुआ, वो बुद्धि हम लोगों का नहीं हुआ। ऐसा कई घटना है। तो उनको पूछेंगे कहाँ है नहीं है, पपीता ले लिया, फिर बोला हमारे घर में बहुत है, तुम लोग ही ले लो। तो हम लोग तो पपीता ले लिया खाली। ऐसी घटना मैंने नर्मदा परिक्रमा में माँ के रूप से तो दर्शन नहीं होता है, लेकिन जब भूख लगता है और जब रास्ता खो जाता है तब चिल्लाने से देखा है, कोई ना कोई जंगल में से खेती में से कोई आया, आके हम लोगों को रास्ता बोल दिया, वह खाने का व्यवस्था कर दिया, ले गए। तो एक घटना घटती रहता है, इसलिए शायद नर्मदा परिक्रमा में संचय माने कुछ रखना मना है, क्योंकि उसमें अनुभव नहीं होगा। जब भी हम लोगों का माने ये रहेगा ना खाली, तब माने सहायता के लिए हम लोग समझ पड़ जाता है जी हाँ अभी माँ का ही कृपा में सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसी घटना माने परिक्रमा में कोई सब घटते रहते थे। तो मैं यही बोल रहा हूँ जे सोना को जी तो ऐसा है नहीं, दिक्कत पड़ के जब माँ की शरण करता है तो माँ कृपा करते हैं। तो हमारा तो देहरादून में और वृंदावन में खूब अनुभव हुआ है जे माने कोई दिक्कत पड़ने से माँ की सहायता बहुत मिला है। तो फिर मैंने बोला जी माँ ये तो माने 25,000 रुपये तो महीने में खर्चा है, तो हमको तो 25 लाख रुपया कम से कम चाहिए, हैं 25 लाख रुपया मैं कम से कम चाहिए, नहीं तो 5 लाख रुपया में क्या होगा। लेकिन माँ ऐसे ही दयामयी है, तो जब छोड़ते वक्त तो 20 लाख तक तो पहुँच गया पानी में। ऐसा किसी को मांगना है कुछ नहीं, लेकिन आपने आपसे हुआ, अभी तो फिर दिन बढ़ेगा, फिर तो अभी पहुँच जाए, लेकिन उस समय का हिसाब से तो ये है। तो इसलिए मैं देखता हूँ जे इतना उपलब्धि हुआ जे मैं कुछ नहीं करता हूँ, कृतित्वाभिमान अपने आप चला जाता है जे मेरे तो मेरे को क्या करना है, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, माँ पीछे है, माँ चला रहा है, हम तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माँ साथ में है, जो जो कुछ होगा माँ ही कर रहा है, ये इतना अनुभव माने कर्म करते हुए पता लगता है। ये बोलते हुए मैं माँ का विराम करता हूँ। जय माँ, जय माँ। बाद में कोई 3,000 हो गया था।